الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم मोहतरम हजरात, मुहर्रमुल हराम का ये महीना जिससे हमारा इस्लामी नया साल शुरू होता है, इस महीने के ताल्लुक से बस एक दो ख़ास बातें बतलानी है। एक तो ये कि माह मुहर्रम और उसकी दसवीं तारीख जिसको यौम आशूरा कहते हैं, ये शुरू ज़माने से ही अजमत वाला रहा, बरकतों वाला रहा और उसकी मुस्तकिल तारीख़ है कि आशूरा के दिन बड़े बड़े वाकियात इस दुनिया में रूनुमा हुए, जिसको हमारे मशाइख ने, उलमा ने मुस्तकिल तौर पर जमा किया, लेकिन उसको इस वक्त बयान करने की यहाँ ज़रूरत नहीं और दूसरे बयानात में मैं ये सारी चीज़ें बतला चुका हूँ। बस इतना कहना है कि 10 मुहर्रम आशूरा के दिन जहाँ बहुत से बड़े बड़े वाकयात हुए, वहीं पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में शहादत का वाक़ होना, ये आप यूँ समझिए कि सोने पर सुहागा है कि अल्लाह ताला ने उनको शहादत के लिए 10 मुहर्रम मुकद्दर फरमाया और उनके साथ उनके जो साथी वगैरह जिन्होंने शहादत को इख्तियार किया, जिनको शहादत नसीब हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वर आ गए तो आपने देखा कि वहाँ के यहूद रोज़ा रखे हुए थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि आखिर ये लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते। जब तहकीक हुई तो पता चला कि हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम और उनके मानने वालों को अल्लाह ने आशूरे के दिन फिरौन और उसका जो लश्कर था, जो जालिम किस्म के लोग थे, अल्लाह ताला ने उनके जुल्म और सितम से इनको नजात अता की। और इसी 10 मुहर्रम को अल्लाह ने फिरौन को उसके लश्कर समेत समंदर में गर्क कर दिया। तो इसके शुक्राने के तौर पर यहूद रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम से हम ज़्यादा करीब हैं। आप अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, आशूरे का रोज़ा रखा, और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खालिफुल यहूद वन नसारा, कि यहूद की नसारा की मुखालफत करो। अब यह मुखालफत इस तरह होगी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9वीं और 10वीं का दो रोज़े रखूँगा। इसलिए कि यहूद एक रखते थे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम उनकी मुखालफत करें इस तौर पर कि 9वीं का भी रखें और 10वीं का दो रोज़े रख लें, और अगर कोई 9वीं का न रख सके तो 10 और 11 इस तरह दो रोज़े रख लिए जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आशूरे का रोज़ा रखे अल्लाह उसके एक साल के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। यकीनन अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, मगफिरत करने वाले हैं। तो इन दिनों में एक अमल तो है कि रोज़ा रखना है, 9 और 10 या 10 और 11, अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरा अमल है, रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ रिवायत भी बयान की जाती है और इसको हमेशा से हमारे उलमा बयान करते चले आए हैं और हमारे मदारिस में अक्सर इस पर अमल भी हो रहा है कि 10 मुहर्रम को जो शख्स
अपनी वसअत और ताकत के एतबार से अपने घर वालों पर खर्च करने में वसअत करेगा, निज्याती करेगा, उसी कदर अल्लाह ताला पूरा साल उस पर बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएंगे। तो ये बड़ी फजीलत वाली बात है कि आशूरे के दिन अपने घर वालों पर खर्च करने में वसअत की जाए, यानी अच्छे अच्छे खाने पकाकर, जैसे दावत की जाती मेहमानों की, इस तरह घर वालों की गोया दावत की जाए, अच्छे खाने वगैरह पकाकर खाए जाए। तो उम्मीद है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पूरा साल अल्लाह ताला उस घर में बरकतें नाजिल फरमाएंगे, रहमतें नाजिल फरमाएंगे। तो ये भी बरकतों और रहमतों को हासिल करने का एक बहुत ही प्यारा अमल है। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें माह मुहर्रम की अजमतों को समझते हुए उसके कदर की तौफीक अता फरमाएं, और इसके जो ख़ास अमल है अल्लाह हमें उसकी भी तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।